नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ग्रेनाइट या फिर मार्बल कौन सा विकल्प आपके घर के लिए बेहतर है। दोस्तों अक्सर ही आपने देखा होगा कि बहुत से जगह पे लोग कहते हैं मार्बल अपने घर के लिए अच्छा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ग्रेनाइट अच्छा है। तो कौन सा विकल्प आपके घर के लिए बेहतर है कि आप इस वीडियो के बाद अपने आप से ही डिसाइड कर सकोगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो दोस्तों क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे इन दोनों के बीच में का डिफरेंस, उसके बाद में हम जानेंगे इसके छोटे छोटे टाइप्स, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आप ग्रेनाइट का इस्तेमाल कीजिए और कहां पर आप मार्बल का कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम में आएगी, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे मार्बल जो होता है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक, और ग्रेनाइट जो होता है वो होता है इग्नियस रॉक। यानी कि जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है दोस्तों वो रिक्रिस्टलाइजेशन से फॉर्म होते हैं। देखिए दोस्तों ग्रेनाइट और मार्बल ये दोनों जो है वो नेचुरल स्टोन है, दोनों मटेरियल जो है वो है हीट रेजिस्टेंट। उसके बाद में ग्रेनाइट जो है वो स्लाइटली हार्डर होता है मार्बल के कंपैरिजन। अब जो मोह स्केल है दोस्तों वहां पर ग्रेनाइट की हार्डनेस आती है 6 से लेकर 7 तक, और दूसरी तरफ जो मार्बल है उसकी हार्डनेस मोह स्केल पे दिखाती है 3 से लेकर 5 तक। तो ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रेनाइट का हार्डनेस ज्यादा आता है। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि जो ग्रेनाइट होता है वो ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है कंपेयर टू मार्बल। मार्बल जो होता है दोस्तों वो इतना स्क्रैच रेजिस्टेंट नहीं होता जितना ग्रेनाइट होता है। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि जो एसिडिक फूड होते हैं उस पे मार्बल ज्यादा रिएक्ट करता है कंपेयर टू ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पे ज्यादा रिएक्शन नहीं होते एसिडिक फूड के। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि मार्बल का जो वेट होता है वो होता है 2711 kg/m³, और ग्रेनाइट का जो वेट होता है 2691 kg/m³। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100-150 किलो का फर्क आता है /m³ के हिसाब से। अब जो मार्बल होता है दोस्तों उसका जो प्योर फॉर्म होता है वो होता है व्हाइट। अब आते हैं हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ जो कि है कॉस्ट। अब कंपैरिजन में देखें तो मार्बल के कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। अगर हम बेसिक बॉटम लाइन का अगर मार्बल ले तो उसकी कॉस्ट कम होती है कंपेयर टू ग्रेनाइट। अब देखिए दोस्तों इसमें बहुत से टाइप्स है और बहुत से टाइप अनुसार इसके रेट होते हैं, पर अगर हम बेसिक टाइप की अगर बात करें तो वहां पर हमें डिफरेंस पता चलेगा कि मार्बल का जो कॉस्ट होता है वो कम होता है और ग्रेनाइट का जो कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है। अब यहाँ पर इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है दोस्तों, तो जैसे कि इन दोनों मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है विंडो फ्रेम के लिए, डोर फ्रेम के लिए, किचन काउंटर टॉप के लिए और स्टेप्स के लिए। इन जगह पे इसका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है घर में। और जो फेमस स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, जहां तक कि मार्बल की बात आती है, आप सबको पता होगा कि ताजमहल जो है वो मार्बल से बना हुआ है, और तो और बहुत से स्टैचू जो होते हैं यानी कि मूर्तियां जो होती है उनका इस्तेमाल के लिए हम मार्बल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस पत्थर के नेचर की वजह से जो है मूर्तियां बनाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। और जो ग्रेनाइट है दोस्तों, तो वर्ल्ड फेमस पिरामिड के बारे में तो आपने सुना होगा, तो पिरामिड जो है उसमें जो है ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, और साउथ इंडिया में बहुत से जो मंदिर है वो ग्रेनाइट से बने हुए हैं। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि यहाँ पर इनके टाइप क्या है। तो सबसे पहले मार्बल का जो मिल्की व्हाइट, ग्रीन फॉरेस्ट तरह के बहुत से और भी टाइप्स। उसके बाद में ग्रेनाइट जो है उसमें ब्लैक गैलेक्सी, अलास्का व्हाइट, हसन ग्रीन, इंपीरियल रेड, कुछ इस तरह के और बहुत से टाइप्स होते हैं। ये बेसिक टाइप्स हमने देखे। रुको जरा, सबर करो। अब अपने घर के लिए अगर हम बात करेंगे तो आपको कौन से विकल्प की तरफ जाना है इसके बारे में हम देखें। तो दोस्तों जैसा कि आपने ऊपर की तरफ देखा कि सिर्फ कॉस्ट का पॉइंट जो है वो मार्बल की तरफ आता है, बाकी सभी पॉइंट जो है वो डेफिनेटली ग्रेनाइट की तरफ आते हैं। एक तो सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि वो स्क्रैच रेजिस्टेंट है, उसके बाद में उसके ऊपर एसिडिक फूड का ज्यादा असर नहीं होता। इसीलिए दोस्तों अगर आप अपने घर के काउंटर टॉप के बारे में यानी कि किचन काउंटर टॉप के बारे में अगर सोच रहे तो डेफिनेटली आपको ग्रेनाइट की तरफ जाना है। भले ही आप पूरे घर को मार्बल लगा दीजिए, पर आपका जो किचन काउंटर टॉप होगा उसके लिए आप जो है ग्रेनाइट का इस्तेमाल कीजिए। इससे होगा ये कि उसका उसके ऊपर जो है स्क्रैच का ज्यादा असर नहीं होगा, और तो और आपके जो एसिडिक फूड होते हैं उनका भी उसके ऊपर कोई ज्यादा असर नहीं होगा। इसीलिए जो कॉमनली लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों बाहर के देशों में या फिर हमारे देश में जो है किचन काउंटर टॉप के लिए ग्रेनाइट का इस्तेमाल कीजिए। मजा आया। अगला पॉइंट ये है दोस्त, ग्रेनाइट में ऐसा भी नहीं कि सभी ग्रेनाइट अच्छे होते। जैसा कि मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि स्टील ग्रे हमारे यहाँ पर जो है बहुत खराब क्वालिटी का मिलता है। धूप में अगर हम इसे रखते हैं तो ये जल्दी ही इसका कलर फेड होने लगता है, और ये जो है ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं दिखाता। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि ये दोनों चीजें जो है इसके ऊपर धूप का असर पड़ता है, यानी कि जैसे जैसे इसके ऊपर अगर धूप गिरती है तो इसका कलर जो है वो फेड होने लगता है। वैसे भी अगर ग्रेनाइट फ्रेम है या फिर डोर फ्रेम है या फिर किचन काउंटर टॉप है उसके ऊपर ज्यादा धूप आने का कोई संभव नहीं, पर जो बाहर की स्टेप होती है उसके ऊपर धूप आती है, समय अनुसार उसका कलर जो है वो फेड होने लगता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉस्ट का पॉइंट आता है, तब ऐसे वक्त में जो है लोग मार्बल की तरफ जा सकते हैं। पर अगर आपके पास आप थोड़े बहुत पैसे खर्च करने वाले हो, और ऐसा भी नहीं कि कुछ ज्यादा डिफरेंस आ जाता है दोस्तों, तो 20 से 25 रुपए के आसपास डिफरेंस आता है, तो ऐसे वक्त में आप ग्रेनाइट की तरफ जा सकते हो। और तो और आपने देखा होगा कि बहुत सारे दुकान है, जहां तक कि मैंने हमारे आसपास के एरिया के दुकान में देखा है, तो वहां पर अब मार्बल बहुत कम प्रमाण में आने लगे।
वहां पर ज्यादा करके ग्रेनाइट ही शोपीस में दिखाए जाते हैं। जैसा कि आप अगले वीडियो में भी देख रहे हो, यहाँ पर जो है ग्रेनाइट के ज्यादा सैंपल है कंपेयर टू मार्बल के, या फिर मार्बल के बहुत ही निग्लिजिबल होते। हमारे यहाँ फिर हाल फिलहाल में जो है ग्रेनाइट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि प्राइस डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है। जैसे कि हम अगर कंपेयर करेंगे हसन ग्रीन से, जिसे कि के ब्लैक भी कहा जाता है हमारे यहाँ पर, इस ग्रेनाइट की कीमत जो है 80 से लेकर 100 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाता है और ये एकदम ड्यूरेबल, और तो इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया और इसके ऊपर कॉस्ट का भी ज्यादा असर नहीं होता दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बहुत से पॉइंट इसके तरफ आते हैं, जैसे कि इसकी हार्डनेस अच्छी होती है, स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, उसके बाद एसिडिक फूड से इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और तो और ये इग्निस रॉक है दोस्तों। तो ये 3-4 एडवांटेज जो है वो मार्बल ग्रेनाइट की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे वक्त में सिर्फ कॉस्ट का पॉइंट आता है, और कॉस्ट में भी अगर आप ऐसा कुछ बड़ा डिफरेंस तो मुझे नहीं दिखाई देता जिससे कि आप डायरेक्टली जो है मार्बल पे शिफ्ट हो सके। डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए कि आप अपने घर के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आप अपने घर के लिए कौन से ऑप्शन की तरफ जाएंगे, या तो वो ग्रेनाइट या फिर मार्बल। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पे नया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस के लिए। और आपके कोई सवाल हो तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।